दोस्तों मौसम कब बदल जाए किसी को भी नहीं पता है। इस समय अरब सागर में विपर चौहान ने तबाही मचा रखी है और गुजरात में भी रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ऐसे में आप किसी भी शहर में रहते हो, आपको मौसम का नहीं पता है, हो सकता है अभी बरसात शुरू हो जाए। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने फोन में एक अच्छी सी वेदर ऐप इंस्टॉल करके रखें ताकि आप घर से निकल रहे हैं तो आप एक दो घंटे आगे कैसा मौसम होने वाला है उसके बारे में आप फोन पे ही जानकारी जान पाए। तो आज की वीडियो में मैं पांच ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनकी मदद से आप वेदर अपडेट जो है दुनिया के किसी भी कोने का वेदर अपडेट देख सकते हैं। पांच एप्लीकेशन मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि इनमें से जो एप्लीकेशन आपको अच्छी लगे, जिसका इंटरफेस अच्छा लगे, वो आप अपने एंड्रॉयड या फिर आईफोन यानी iOS प्लेटफॉर्म की डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको पहले नंबर की ऐप ना पसंद आए, पांचवें नंबर की ऐप पसंद आए। दोस्तों वेदर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि होता क्या है कि अभी फ़िलहाल तो बिपरजॉय जो है तूफ़ान आया हुआ है जिससे महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में काफ़ी दिक्कत होने वाली है, इवन वो खाली भी करा दिए गए हैं, लेकिन इसकी वजह से और दूसरे स्टेट हैं उनमें भी मौसम बदलेगा। तो जब भी आप ऑफिस वगैरह जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार वेदर का जो अपडेट है उसे लेकर निकलें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि आप पानी से बरसात से बचने के लिए कोई साधन लेके जाएं। और बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें। तो मैंने पांच एप्लीकेशन जो है सेलेक्ट की हैं, आप देख रहे होंगे फ़ोन में पांचों एप्लीकेशन इंस्टॉल है क्योंकि मैंने पहले इन्हें यूज़ करके देखा। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ऐप्स में प्रॉब्लम हो या किसी तरह का कोई दिक्कत इसके इंटरफेस में आ रहा हो ताकि आप इंस्टॉल करें तो आपको दिक्कत ना हो, इस वजह से एक एक करके हम सारी एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो एक एक करके एप्लीकेशन देखते हैं, शुरुआत करते हैं एक्यू वेदर से। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है पूरी दुनिया में, iOS एंड्रॉयड दोनों में मौजूद है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे मेरा लोकेशन जो है वो ये ले रहा है, सभी ऐप्स में लोकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा मेरे इधर का टेम्परेचर कितना है और साथ में नीचे रेन स्नो और आइस मिक्स के ये कलर्स दिए गए हैं। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और आपको डिटेल मिल जाएगा, ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब कितनी आती है आज की। नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हवरली यानी घंटे के अपडेट भी आएंगे, जैसे आप एक या दो घंटे बाद बाहर निकल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं तो उसके भी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ये इंटरफेस मिल जाएगा, साथ में प्रीमियम का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कुछ और ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे लेकिन जो बेसिक जानकारी इसमें फ्री में मिल रही है वो इनफ है। जैसे डेली का यहाँ पे कि दिया गया है टेम्परेचर कितना होगा, कौन से दिन का कैसा होगा, मंथली अगर आपको देखना है तो मंथली आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, साथ में हिस्ट्री वगैरह भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक राडार का ये ऑप्शन दिया गया है जिसे यूज़ करके आप किसी भी एरिया के मौसम की जानकारी जो है वो जान सकते हैं। लिस्ट में दूसरी एप्लीकेशन है हमारी वेदर बग, इसका आइकॉन कुछ आपने देखा होगा इस तरह का है और इसमें भी आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इंटरफेस इसका एक्यू वेदर जो हमने पिछली देखी थी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए नाउ अवरली 10 डेज और साथ में मैप, ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। नाउ में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए विंड का आपको डायरेक्शन वगैरह आप चेक कर सकते हैं कैसा है, और साथ में यहाँ पे दूसरी जानकारी एयर की जैसे जानकारी यहाँ पे दी गई है वो आप मैप में जाके किसी भी एरिया की जो एयर क्वालिटी है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइटनिंग और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फायर का भी इसमें ऑप्शन दिया गया है, हाई रिस्क ऑफ फायर। ये एप्लीकेशन इंडिया के बाहर काफ़ी यूज़ की जाती है इस वजह से इसमें ये फायर का ऑप्शन भी दिया गया है क्योंकि बहुत से देश हैं जहाँ पे आग लगती रहती है गर्मी की वजह से जंगल वगैरह में, तो वो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसमें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप जो है सेटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप टेम्परेचर का जो डिग्री है सेल्सियस में देखना चाहते हैं या फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं, डिस्टेंस माइल्स या किलोमीटर में देखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक लोकेशन के हिसाब से ये सेट हो जाता है। इसे मैंने सेट नहीं किया है, सिर्फ मैंने लोकेशन दी थी तो उसकी वजह से यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। साथ में थीम वगैरह जो है स्टेटस बार टेक्स्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कस्टमाइज ऑप्शन आपको फ्री में इसमें मिल जाते हैं
और ये भी एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कुछ एप्लीकेशन में ऐड भी आपको मिलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ऐड आ रहा है और कुछ में ऐड नहीं मिलेंगे। तो ये वेदर बग जो है, इसे आप iOS और एंड्रॉयड दोनों में फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ में प्रीमियम वर्जन चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी तीसरी एप्लीकेशन की ओर, जो कि है विंडी। इसका आइकॉन कुछ इस तरह का दिखता है, इसे आप एंड्रॉयड दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरफेस टोटली डिफरेंट है, जो हमने वेदर बग देखी और एक्यूवेदर देखी उससे इसका इंटरफेस बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे यहाँ होम पेज पे जो है एयर का जो विंड है, हवा का डायरेक्शन है, वो क्लियर आपको दिख रहा है। मेरा लोकेशन यहाँ पे है, बेंगलुरु है, इस वजह से मैप का इतना हिस्सा ले रहा है। आप जो भी लोकेशन देंगे आपका वो हिस्सा यहाँ पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं विंड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे दिख रही है, और साथ में से जैसे ही आप थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको बाकी जगहों की डायरेक्शन में है वो भी दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस तरीके से ये जो चक्रवात है वो यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें आप विंड की डायरेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आप समुद्र के किनारे जो है सर्फिंग वगैरह करते हैं, या फिर किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे समुद्र वगैरह है, तो उस जगह के लिए ये एप्लीकेशन विंडी काफ़ी अच्छी है। वेदर की नॉर्मल जानकारी, जो स्टैंडर्ड जानकारी है, वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन ऐसी जगहों पे हमें ये जानकारी चाहिए होती है कहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, कहाँ पे उसकी वजह से तूफ़ान आ रहा है, तो ये ऐप आपके लिए है। यहाँ पे अगर देखेंगे साइड में ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें होम पेज पे इस समय मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सैटेलाइट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, जिससे सैटेलाइट का जो 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 व्यू है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे मैंने सैटेलाइट पे क्लिक किया है, मेरा सैटेलाइट का जो व्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है। सर्फिंग वगैरह करते हैं, तेज़ हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, उस एरिया के लिए एप्लीकेशन सबसे बेस्ट है। और लिस्ट में हमारी अगली एप्लीकेशन है कैरेट। इसका आइकॉन आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है। इसे भी आप एंड्रॉयड iOS दोनों में इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंटरफेस इसका काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो एरिया है मेरा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट है लोकेशन वाइज। हवरली फोरकास्ट यहाँ पे आ रहा है, तो क्लीन इंटरफेस है। ये ऐप मुझे पसंद है काफ़ी अभी तक जो मैंने देखी है, क्योंकि बेसिक डेटा जो हमें चाहिए वो सारा इस ऐप में आपको ऊपर ही मिल जाता है। और आपका आज के दिन का जो वेदर है वो कैसा रहेगा, यहाँ पे देखिए ये हवरली डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी और यूवी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बेसिक जानकारी सारी इसमें दी गई है, काफ़ी लाइट वेट है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और नॉर्मल जानकारी से ही आपका काम चल जाता है। तो हमारे आज की वीडियो की लास्ट जो एप्लीकेशन है वेदर की, वो है लाइव वेदर। इसे बस इसमें मुझे एक ही दिक्कत लगी, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे जितनी बार भी आपको एक फुल होम पेज का ऐड मिलेगा, बाकी सब में नीचे आते हैं। इसे आप थोड़ी देर बाद स्किप कर सकते हैं, ये फ्री वर्जन में ही आपको मिलेगा। इसका अगर प्रीमियम लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए होम पेज कुछ इस तरह का आता है, यहाँ पे आपको होम पेज पे ही मैक्सिमम जानकारी मिल जाएगी, जैसे टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, और साथ में ये क्लाउड की जानकारी, विंड की जानकारी, नेक्स्ट 24 आवर का फोरकास्ट और नेक्स्ट 7 डेज़ का फोरकास्ट भी आपको एक ही होम पेज पे यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही इसकी अगर आप सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे, तो आपको थीम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस तरह की थीम लगाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बाकी दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे टेम्परेचर यूनिट चेंज करना है। तो लगभग देखा जाए तो ज़्यादातर जो फीचर हैं वो मोस्टली एप्लीकेशंस के सेम हैं। इंटरफेस का अंतर आ जाता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, ये एप्लीकेशन मैंने इसीलिए मेंशन की, वरना मैं एक ही एप्लीकेशन आपको बता देता कि इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत से लोगों को अलग अलग इंटरफेस ज़रूरत होते हैं, जैसे एक ऐप में जो है बहुत लाइट वेट थी, उसमें भले ही ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लेकिन बेसिक जानकारी एक होम पेज में आपकी दी गई थी। एक्यूवेदर को अगर हम देखें तो उसमें बहुत सी आपको डिटेल मिल जाएंगी, फ्री वर्जन में ही काफ़ी डिटेल मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।